नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूँ। श्रावण मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास में भोले बाबा की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। श्रावण मास में ये वीडियो मैं भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मुख्य ज्योतिर्लिंग नागेश्वर धाम से बना रही हूँ, जो कि गुजरात में द्वारिकापुरी के पास स्थित है। ये तो सब जानते हैं कि श्रावण मास में जो भोले बाबा की पूजा करता है, भोले बाबा उसके सब कष्टों को दूर करते हैं और जो भोले के गले में नाग पड़े रहते हैं वो उनको अति प्रिय हैं। नागेश्वर धाम यानी कि नागों के देवता, जिसका सीधा संबंध विष को खत्म करने से है। नागेश्वर धाम में जो मनुष्य पूजा करता है, भोले बाबा उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं, क्योंकि शिव पुराण में वर्णित है कि यहाँ भोले बाबा स्वयं नागेश्वर के रूप में और माँ पार्वती नागेश्वरी के रूप में विराजित हैं। एक छोटी सी कथा के अनुसार सुप्रिय नामक वैश्य जो था वो भोले का अनन्य भक्त था। तो एक बार समुद्र की यात्रा के दौरान दारुण नामक राक्षस ने उसके ऊपर उसको बंदी बना लिया, लेकिन उसने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वहाँ दारुण राक्षस ने उसे बहुत डराया धमकाया, लेकिन उसने शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर स्वयं यहाँ पर नागेश्वर धाम में विराजित होकर उस राक्षस का वध करा और अपने भक्त के कष्टों को दूर करा। नागेश्वर, देखिए नागेश्वर यानी नागों के देवता, और नागों का जो सीधा संबंध है वो राहु केतु से है। और जो हमारी 12 राशियां हैं मेष से लेके मीन तक, वो हर 12 ज्योति